जीसस क्राइस्ट को समझने के लिए हमें उनसे जुड़े सात शब्दों को समझना जरूरी है। ये यात्रा हमें आध्यात्मिक रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी, जहां सात शब्द हमारे मार्गदर्शक होंगे। ये सात शब्द हैं, पहला कैटालिटिक, दूसरा कैटालेप्सी, तीसरा कैथारसिस, चौथा कैटास्ट्रोफी, पांचवा क्रॉस, छठा कन्वर्जन और सातवा क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। जब हम इन सात शब्दों की गहराइयों में जाते हैं तो हमारा रूपांतरण हो जाता है। आइए इन सात शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द कैटलिस्ट हमें ईसा की उस विशिष्ट क्षमता की ओर ले जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने साथ होने भर से लोगों में बदलाव ला सकते हैं। इसका अर्थ है सत्संग या गुरु की उपस्थिति में रहना। ईसा की ऊर्जा उनके आसपास के वातावरण में नृत्य करने लगती थी और उनके स्पर्श से लोग अपने भीतर एक नया स्पंदन महसूस करने लगते थे। वे लोगों के पास जाते थे, उनके साथ भोजन करते थे और वही क्षण होता था जब वे अपनी उपस्थिति के साथ उनके अस्तित्व में प्रवेश करने की कोशिश करते थे। वे उनकी कैटलिस्ट शक्ति थी और यही उनके शिष्यों में रूपांतरण ले आती थी। दूसरा शब्द कैटलेप्सी उस स्थिति को दर्शाता है जब व्यक्ति की पुरानी स्थिति और सोच अचानक से बंद हो जाती है, जैसे कि वे एक गहरे झटके का अनुभव करता है। जब हम जीसस या बुद्ध जैसे महान संतों के संपर्क में आते हैं तो हमारा पुराना अस्तित्व तुरंत उस आघात से निलंबित हो जाता है, एक नए ढंग से हमारा जीवन शुरू होता है। यही शिष्यत्व का संपूर्ण अर्थ है। तुम्हारा अतीत पूरी तरह से धुल जाना चाहिए, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जाना चाहिए। जब तुम एक खाली पात्र बन जाते हो तभी कुछ और संभव हो सकता है। तीसरा शब्द कैथारसिस वह स्थिति है जब तुम अपने दबी हुई भावनाएं और छुपे हुए भावों को प्रकट कर देते हो। ये एक भावात्मक विस्फोट की तरह है जिसमें व्यक्ति अपने अचेतन और तर्कहीन पक्ष के साथ बह निकलता है। ये वो स्थिति है जिसमें वह पूरी तरह से भारहीन हो जाता है। चौथा शब्द कैटास्ट्रोफी वह स्थिति है जब तुम्हें दिखता है अहंकार तुम्हें संभाल नहीं पा रहा और पूरी तरह से टूट गया है, तर्क समाप्त हो गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा। इस स्थिति में अहंकार का पतन होता है। ये स्थिति टैरो के टॉवर कार्ड के साथ मिलती है। क्रिश्चियंस इसी को डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। पांचवा शब्द क्रॉस वह चरण है जहां अहंकार पूरी तरह से मर जाता है। यहाँ पर व्यक्ति शारीरिक या मानसिक पहचान से मुक्त हो जाता है और एक अघात शून्य में पहुंच जाता है। शरीर या मन के साथ कोई पहचान नहीं रहती, एक नकारात्मक तक की स्थिति, मृत्यु, शून्यता, भारी कंपन, भय, ये सब एक शिष्य महसूस करता है। यहीं पर जीसस ने खुद को पाया क्रॉस पर। हर किसी को अपने क्रॉस का अनुभव करना है, जीसस कहते हैं। हर कोई अपने कंधों पर अपना क्रॉस उठाने वाला है। फिर आता है छठा चरण, कन्वर्जन। केवल जब तुम मर जाते हो तभी ईश्वर तुम्हें जीवित होता है। कन्वर्जन वह क्षण है जब व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाता है, जब मानव दिव्य बन जाता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने सच्चे आत्मा को जानता है, लेकिन बस एक और कदम और ये प्रकरण पूरा हो जाता है। और अंत में सातवां शब्द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। क्राइस्ट कॉन्शियसनेस वह अवस्था है जब व्यक्ति संपूर्ण के साथ एक हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति हिमालय की चोटियों से दूर नहीं होता, बल्कि वह खुद एक चोटी बन जाता है। वो अपने भीतर सारा जगत पाता है, सारे चांद सितारे उसके भीतर भ्रमण करते हैं। अब उसकी नियति पूरी हुई, उसका होना सफल हुआ। बुद्ध इसको निर्वाण की दशा कहते हैं, हिंदू इसे सच्चित आनंद कहते हैं और जीसस इसे अपना प्रभु का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। ये सात शब्द सात मील के पत्थर हैं जो प्रभु के द्वार तक तुम्हें ले जाते हैं। प्रणाम।